कि आज की क्लास में आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सर्वेयर कंपास, कि हमारे सर्वेयर कंपास के पार्ट्स कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए सब, इसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था प्रिज्मेटिक कंपास, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वेयर कंपास। इसके जो पार्ट्स हैं वो ग्रेजुएटेड सर्किल, मैग्नेट नीडल, आई वैन, ऑब्जेक्ट वैन, लिफ्टिंग पिन, एगेट कैप, राइडर एंड ज्वेल बियरिंग। तो इतने टाइप के हमारे पार्ट्स हैं, एक एक करके इनका हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है ग्रेजुएटेड सर्किल, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ग्रेजुएटेड सर्किल। तो देखिए जो डायग्राम मैंने दो बना रखे हैं यहाँ पर, इनके बारे में समझ लें आप कि ये प्लान है सर्वेयर कंपास का, और प्लान हमारा पूरा कंप्लीट नहीं बनाया है मैंने। जो ग्रेजुएटेड सर्किल है और मैग्नेटिक नीडल है, केवल मैंने उसी का प्लान यहाँ पर बनाया है, लेकिन जो इसका एलिवेशन है, जो फ्रंट व्यू है, तो उसका फ्रंट व्यू मैंने क्रॉस सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया है कि इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट्स हैं वो हमें एक एक करके समझेंगे। तो प्लान में आप देख पा रहे हैं एक गोल सर्किल देख रहे हैं आप। तो ये जो गोल सर्किल है जिस पर एंगलों के निशान लिखे हुए हैं और चार दिशाएं लिखी हुई हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमारी लिखी हुई है। तो वो जो डायरेक्शन है चारों, ये चारों डायरेक्शन और प्लस ये हमारा जो सर्किल है, ये हमारा ग्रेजुएटेड सर्किल कहलाता है, जिस पर हमने अंशों के निशान काट रखे हैं। इसमें आप एक ये भी देखें कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन है उसके बारे में देखें अगर, तो इसमें जो बॉक्स है, बॉक्स कहाँ पर है, ये बॉक्स मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो ये जो बॉक्स हमारा यहाँ से लेके ये रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है, सॉरी जो इसका आप सर्कुलर बॉक्स होता है, लेकिन हम जब इसका क्रॉस सेक्शन एलिवेशन देखेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म में नजर आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ये सर्कुलर बॉक्स होता है। और इस बॉक्स से ग्रेजुएट सर्किल अटैच है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है ये ब्लू कलर की लाइन से, और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। यानी कि सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएट सर्किल बॉक्स से जुड़ा हुआ रहता है और मैग्नेटिक निडल से अलग होता है। आप प्लान में भी देख रहे हैं, इसके टॉप व्यू में देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक निडल है उससे हमारा ग्रेजुएट सर्किल एकदम अलग है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ग्रेजुएट सर्किल के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर्वेयर कंपास के अंदर ग्रेजुएट सर्किल बॉक्स से तो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो मैग्नेटिक निडल से अलग रहता है। तो ये मैंने सबसे पहली लाइन लिखी है, ग्रेजुएट सर्किल बॉक्स से जुड़ा हुआ रहता है लेकिन मैग्नेटिक निडल बॉक्स से अलग रहती है। आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल हमारी बॉक्स से अलग है। अगला टॉपिक पर अगर डिस्कस करें इसी चीज को, हम ये कहें कि बॉक्स के मूवमेंट पर अक्सर कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा आता है कि बॉक्स के मूवमेंट अगर हम कराएं तो क्या क्या मूवमेंट करेगा। देखिए बॉक्स का अगर आप मूवमेंट कराएंगे तो बॉक्स से जुड़ी हुई है लाइन ऑफ, ये हमारी आई वैन एंड ऑब्जेक्ट वैन जुड़ी हुई है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आई वैन, ये आई वैन है, और ये वाला जो हमारा है वैन, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वैन। तो जैसे ही हम बॉक्स का मूवमेंट कराएंगे तो बॉक्स से आई वैन, दोनों वैन्स भी हमारी जुड़ी हुई हैं। तो जैसे आप बॉक्स का मूवमेंट कराएंगे तो वैन्स का भी मूवमेंट होगा और बैंस का मूवमेंट होगा, और आपने पहले ही मैं बता चुका हूं कि ग्रेजुएटेड सर्किल का भी मूवमेंट हमारा होगा बॉक्स के साथ ही। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि बॉक्स के मूवमेंट कराने पर ग्रेजुएटेड सर्किल भी मूव करता है और साथ के साथ लाइन ऑफ साइट भी मूव करती है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट मैंने इसी से रिलेटेड लिख रखा है कि यदि बॉक्स के मूवमेंट कराए हम, बॉक्स का मूवमेंट कराने पर, तो जब आप बॉक्स का मूवमेंट कराएंगे तो उस टाइम क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रेजुएटेड सर्किल आपका मूव करता है, लेकिन उस कंडीशन में अभी मैग्नेटिक निडल मूव नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक निडल बॉक्स से जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करें, मैंने इसी को एक अलग तरीके से और रिप्रेजेंट किया है कि लाइन ऑफ साइट के मूवमेंट कराने पर, देखिए अगर बॉक्स का मूव होगा तो लाइन ऑफ साइट का मूवमेंट होना ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई बॉक्स मूव करेगा और उससे जुड़ी हुई वैन्स है तो वैन्स ऑटोमेटिकली मूव करेंगी। तो लाइन ऑफ साइट के मूवमेंट कराने पर ग्रेजुएटेड सर्किल तो मूव करता है लेकिन मैग्नेटिक निडल मूव नहीं करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर लिख रखा है कि लाइन ऑफ साइट के मूवमेंट पर ग्रेजुएटेड सर्किल मूव करता है लेकिन उस केस में मैग्नेटिक निडल मूव नहीं करती है। यानी मैग्नेटिक निडल जो है वो स्वतंत्र है, वो मूव नहीं करेगी, उसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ही सर्वेयर कंपास में मैग्नेटिक निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ऑटोमेटिकली रुक जाती है। अगला हमने कहा है कि और हमारे ग्रेजुएटेड सर्किल से रिलेटेड हम कौन कौन से पॉइंट्स पर अमल करें। तो अगला पॉइंट ये है कि हमने ग्रेजुएट सर्किल में आप डायरेक्शंस को देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए जबकि हमारा ईस्ट यहाँ होना चाहिए था, मैंने ईस्ट यहाँ लिख रखा है,
ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वेयर कंपास में हमारे ईस्ट की जगह वेस्ट और वेस्ट की जगह ईस्ट होता है। और ऐसा इसलिए, देखो इसके लिए मैंने आपको प्रिज्मेटिक कंपास की जो क्लास की थी उसमें मैंने बताया था कि दो डाउट्स रहते हैं हमेशा। एक तो हमारे प्रिज्मेटिक कंपास में नॉर्थ डायरेक्शन पर 180 डिग्री का एंगल और साउथ डायरेक्शन पर 0 डिग्री का एंगल, जबकि होना कुछ एक्चुअल में हमारे हिसाब से कुछ और होना चाहिए। इसी तरह से सर्वेयर कंपास में बात करें तो ईस्ट की जगह वेस्ट, वेस्ट की जगह ईस्ट होना चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक्स की ही वीडियो मैं आपको अलग सेपरेट प्रोवाइड करूंगा। ये मैं प्रिज्मेटिक कंपास वाली क्लास में भी मैंने बोला था और मैंने आज इस क्लास में भी बोला है कि इन दोनों टॉपिक पर जो डाउट्स हमारे हैं, इन दोनों डाउट्स को हम अलग क्लास में, एक अलग इससे जस्ट अगला जो वीडियो बनेगा वो इसी टॉपिक में बनाएंगे कि प्रिज्मेटिक कंपास में नॉर्थ डायरेक्शन पर 180 डिग्री का एंगल और साउथ डायरेक्शन पर 0 या 360 डिग्री का एंगल क्यों काटते हैं, और सर्वेयर कंपास में ईस्ट की जगह वेस्ट और वेस्ट की जगह ईस्ट क्यों लिखते हैं। तो इसका जवाब तो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा ही। अभी फिलहाल में डिस्कस ये मान लीजिए आप कि ईस्ट की जगह वेस्ट और वेस्ट की जगह ईस्ट लिखा हुआ है, तो ग्रेजुएटेड जो सर्किल है उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पर तो 0-0 डिग्री का एंगल होता है, किसमें, सर्वेयर कंपास में। लेकिन वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में 90-90 डिग्री का एंगल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 से 360 डिग्री तक का ग्रेजुएशन नहीं होता है, जबकि 0 से 90 डिग्री तक होता है। तो और इसमें आप ये देखें कि हमारे ग्रे सर्किल में चारों दिशाओं का इंपॉर्टेंस है, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा नहीं था, उसमें केवल दो दिशाओं का ये इंपॉर्टेंस था, एक नॉर्थ एंड साउथ। और देखा जाए बेसिकली नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास था उसमें होता है। तो सर्वेयर कंपास में अगर चारों डायरेक्शन हमने लिख रखी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन चारों डायरेक्शन का ही महत्व होगा। तो सर्वेयर कंपास में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन का महत्व होता है, ऐसा मैंने चौथा पॉइंट लिखा है कि ग्रेजुएट सर्किल पर सर्वेयर कंपास में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों ही डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है। और इसमें ईस्ट डायरेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल, वेस्ट पर 90 डिग्री का एंगल एंड साउथ पर 0 डिग्री एंड नॉर्थ पर 0 डिग्री का एंगल हमारा कटा हुआ होता है। तो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पर 0, साउथ पर 0, ईस्ट पर 90 एंड वेस्ट पर 90 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है। अगले पॉइंट में मैंने ये बताया है कि ग्रेजुएट सर्किल पर ईस्ट की जगह वेस्ट एंड वेस्ट की जगह ईस्ट लिखा हुआ रहता है, ऐसा क्यों होता है इससे जस्ट अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएटेड सर्किल पर एंगल क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। गाइस देखिए, जब हमने प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा था तो उसमें हमारे सारे सारे जितने भी एंगल थे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस इन्वर्टेड थे, यानी उल्टे गोदे हुए थे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने उसकी ग्रेजुएशंस को देखा था ग्रेजुएट सर्किल पर। पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वेयर कंपास, तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर नॉर्थ पर 0 डिग्री, लेकिन यहाँ से तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे एंगल बढ़ रहे हैं। अगर हम साउथ एंड पर देखें तो साउथ एंड पर 0 डिग्री, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वेयर कंपास में एंगल के ग्रेजुएशंस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे मैग्नेटिक निडल को लेकर और ग्रेज सर्किल को लेकर। एक चीज और डिफरेंस यहाँ बेसिक ये है कि प्रिज्मेटिक कंपास में हम रीडिंग्स को और टारगेट को एक साथ बाइसेक्ट करते जाते हैं, यानी रीडिंग देखते जाते हैं और तुरंत हम टारगेट को बाइसेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा सर्वेयर कंपास में नहीं होता। इसमें रीडिंग को अलग से पढ़ना होता है, पहले टारगेट को बाइसेक्ट करिए, स्टेशन सेलेक्ट करो, टारगेट बाइसेक्ट करो, जब उसे एग्जैक्ट बाइसेक्ट हो जाए तो अलग से हमें रीडिंग को सर्वेयर कंपास पर पढ़ना होता है, हम एक साथ ही दोनों काम नहीं कर पाते हैं। इससे अगला हमारा टॉपिक है